तो भाई ये यहीं से कटी थी इस छत से, और ये कहाँ पहुंच गई, सीधा इसके घर पे पहुंच गई, वहां पर कम से कम इसका घर देखो कहाँ है। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द एसटी व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी है सुबह का टाइम और अभी बज रहे हैं भाई एक, और अभी जस्ट मैं अपनी क्लास को खत्म करके आया हूँ, एंड करके आया हूँ। वैसे तो मेरी क्लास है जो 9:30 बजे आती है, लेकिन भाई आज आई थी 11 बजे सॉरी। तो भाई 11 से 12 एक मैंने क्लास ली, 12 से बाद में फिर मैंने अभी 1 बजने वाला है। तो गाइस अब नहा धो के अब जाके कहीं फ्री हुआ हूँ, तो भाई अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। जो नाश्ते में पास्ता है गाइस, आज कल जो मेरे घर में पास्ता काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, बस वही चीज़ होती है ना, एक जो चीज़ बनने लग जाती है तो भाई वो कंटिन्यू जाती है 5-7 दिन तक, फिर कंटिन्यू बनती है वो चीज़। चलो जैसे नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको छत पे सीधा। ये देखो भाई जस्ट अभी पतंग लूट के लाया हूँ इसके अंदर से, बोर की झाड़ी में से। अब जाऊँगा भाई डोली डोली सीधा ऊपर उस छत पर। तो भाई चलो चलते हैं अपन। देखो बेचारा, इसकी भी कुछ लाइफ है। इसके अभी पतंग लेके आए 6 पतंगे, जिनमें से एक पतंग उड़ाए थे गाइस। ये देखो इसको मोड़ा था, सबसे पहले तो इसका ये ठुड्डा तोड़ दिया इसने, उसके बाद में 3 टाके ऊपर आए हैं और 3 टाके नीचे आए हैं गाइस। अभी बस जैसे ही बेड रेस्ट खत्म हुआ उसके बाद में हमने उड़ाई, तो उसके बाद में ये पूरी पतंग है जो यहाँ से क्रैक हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताओ इतनी बेकार पतंगे दे रहे हैं दुकान वाले बेचारे को, क्या करें, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। चलो उड़ा के दिखाओ, आपकी बार नहीं पटनी चाहिए। एक बार तो इसके गाइस वो टूट गए, बीच में से टूटा टूट गया, दूसरी बार के अंदर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इसको दोबारा भेजा जा रहा है, अब देखते हैं भाई आसमान में होता है क्या। आप भी वीडियो में बने रहे आगे तक, आपको पता चल जाएगा पतंग क्या मस्त कितनी लंबी जा चुकी है। फटने के बाद भी 2 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी देखो भाई ये तो इसके डॉक्टरों की है बस दशा बढ़िया हमारे राजस्थान के अंदर। और ये देखो टोली बैठी रहती है गाइस जैसे लूटने के लिए, जैसे कोई पतंग आती है यहाँ पीछे से बस लूटने के लिए बैठी रहती है गाइस टोली, वहाँ मंदिरों पर बैठे रहते हैं वहाँ पे। और आज भाई ये जो हमारा गोदाम है वो भी खुल गया है, तो यहाँ बैठे हैं आदमी नीचे, हम भी मौज ले रहे हैं ऊपर। बाकी धूप भी आज कम है, तो भाई धूप के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आज हवा है, तो आराम से उड़ाने में कोई दिक्कत हो नहीं पा रही। हम 3 बजे ही पतंग उड़ा रहे हैं आज, नहीं तो हम 5 बजे से पहले स्टार्ट नहीं करते थे गाइस। ये देखो ये क्या है, ये है गाइस स्ट्रॉबेरी। तो गाइस इसको खाने में काफ़ी मज़ा आता है, मीठी मीठी होती है, मस्त लगती है, मज़ा आता है। चलो खाते हैं इसको गाइस। देखो क्या मस्त लग रही है गाइस, रेड रेड इसका कलर मस्त है गाइस, अब मैंने दिखाया आपको। ये देखो ये क्या है, रेड कलर के ग्रेप्स जैसे लग रहे हैं, शायद इनसे मुनक्का वगैरह बनती है जैसा कि मैंने सुना है। बाकी आप बताना भाई कमेंट्स में कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी किसी के अंदर, अगर आपको पता हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करना, मेरे को बताना क्या है भाई। मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, कुछ भी मिलता है जिसको कि भाई सच में अगर मुनक्का बनती होगा तो भाई इसके अंदर बीज भी होगा। तो चेक करते हैं भाई अगर इसके अंदर टेस्ट के साथ है पहले तो। तो भाई देखो ये रहा बीज, तो भाई मुनक्का बनती है इससे, और सच में जो अंगूर जैसा मीठा ही है गाइस मेरे को, और मुनक्का बन सकती है भाई इसके अंदर 2 बीज हैं, एक तो मैंने फेंक दिया, लेकिन काफ़ी मस्त है गाइस। भाई कमेंट में बताना क्या है ये। मिल गया हुआ है घर पे, तब तक अपन चाय बिस्किट खा लेते हैं। चलो गाइस गाइस तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है गाइस आज, पतंग पता नहीं उड़ा भी पाएंगे कि नहीं उड़ा पाएंगे। और ये देखो भाई कल ये जो पतंग दिखाई थी मैंने आपको, देखो बैक कैमरे दिखाता हूँ, पहले दिखाई थी मैंने आपको कल, टांके लगे हुए थे इसके, ऑपरेशन हो गया था 2-3 बार। तो भाई ये यहीं से कटी थी इस छत से, और ये कहाँ पहुँच गई, सीधा इसके घर पर पहुँच गई, वहाँ पर कम से कम इसका घर देखो कहाँ है, तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। वो घर दिख रहा है ना आपको फूटा फूटा सा, उससे आगे घर है इसका काफ़ी। तो देखो भाई ऐसे पहुंच गई, आज दूसरे दिन भी हमारे पास ही है पतंग, अब पता नहीं कहाँ पहुँचेगी ये। तो अभी पतंगे ऊपर ला चुके हैं, और अपने पास कंप्लीट 10 पतंगे हो गई है लूटी हुई, और ये अपनी लेके आया और नई वही सब जुगाड़। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी ये छोटी चरखी है गाइस, इसके अंदर से ये सदा निकालेंगे और ये भरेंगे कहीं के अंदर, इस वाली चरखी के अंदर, बड़ी के अंदर, ताकि उड़ाने में सही रहे और समेटने में सही रहे। जंगलों के अंदर असली लूटेरे तो भाई इनको कहते हैं। देखो भाई पतंग लेने के लिए कहाँ झाड़ियों में चढ़ रहा है बताओ, अब ये गिर जाए, गिर जाएगा तो क्या आएगा, मतलब गिर जाएगा तो भी भाई इसकी नुकसान है, क्योंकि कांटे वगैरह काफ़ी हैं, और ये झाड़ियों का है देखो पेड़ भी, और नीम में चढ़े तो भाई मान भी सकते हैं, लेकिन ये देखो झाड़ियों के अंदर चढ़ रहा है कांटे वाड़ियों के अंदर बताओ। ये देखो गाइस अब लेके उतर रहा है, देखो गाइस देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, देखो देखो इसको, ये लो भाई लेके बाय बाय फरार लुटेरा, असली लुटेर तो ये है भाई, हम तो बस नाम के हैं, हम तो हमारी छतों पर इन पर लूटते हैं। तो अभी एक पतंग और लूट लिया है, तो गाइस आज हवा तो तेज़ है, लेकिन भाई जिधर देख रहे ना उतनी ज़्यादा पतंगें कटती जा रही है। आज भाई लाइफ में इतनी पहली बार इतनी सारी पतंगें लूटी है, और कटी भी काफ़ी सारी आज, और भाई लंबी लंबी पतंगें आ रही है गाइस आज मस्त,
मेरे को अंटी बनाने के अंदर ही लग रहा है, खूब पतंगे आ रही है आज गली में। अरे ऐसे मान लो हम 5 पतंगे आ रही है तो हम 3 को ही लूट रहे हैं, बाकी तो हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम पतंग बढ़ा ही नहीं पा रहे इस चक्कर में। तो गाइस साहब सही में 10 से 20 पतंगे आ रही है भाई रेगुलर। और भाई जहाँ देखो ना, अभी देखो शाम का टाइम हो चुका है, ये देखो एक पतंग उड़ा चुकी है, इसको तो लूटना पड़ेगा गाइस।